प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। थोड़ा सा हम सविता जी से बात करेंगे, कब से हैं साथ में? जी हम लोग साथ में कार्यक्रम तो लगभग 7-8 साल से, जब से हम कार्यक्रम कर रहे हैं तब से इनके साथ हैं, इन्हीं के साथ कार्यक्रम करते ही हैं। मैं अभी जैसे थोड़ा सा आपके बारे में समझा जाना, तो पहले तो आपको सैल्यूट है, मुझे दिल से सैल्यूट है कि ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारे जैसी लड़की, मतलब ये जैसे हैं सच पूछे तो उनके लायक हम नहीं हैं। ये इतने अच्छे हैं और जितना जो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है उससे भी बहुत कहीं ज़्यादा ये सब कुछ कर लेते हैं। ये इनकी बड़ी बात है कि हमको कहते हैं कि नहीं आप तुम ऐसे कर ली, मैं नॉर्मल नहीं हूँ, जो भी है ये इनकी सोच है। लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि हम इनके लायक नहीं हैं, ये मेरे लिए बड़ी बात है कि मेरी शादी इनसे हुई है। सविता जी, ये आपका बड़कपन है, लेकिन जो सच है उसे कोई छुपाया नहीं जा सकता, सच पे पर्दा नहीं डाला जा सकता। अमूमन तौर पर देखा गया है कि जो आज लालच भरी दुनिया जो चल रही है, जब एक शादी की बात होती है तो दहेज की बात होती है, और जब दहेज की बात होती है तो उसके बाद फिर एक और बात होती है कि लड़का कैसा है, थोड़ी सी भी कमी को लेकर के उसको मतलब इग्नोर कर दिया जाता है। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि भगवान आप दोनों को बहुत खूबसूरत बनाया है, तो कहीं ना कहीं ये अड़चनें आई होंगी। तो क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि ऐसे लड़के से आपकी शादी हो रही हो, तो कम से कम जो आपकी सहेलियाँ हैं, जो आपका जो कल्चर है, थोड़ा सा इसमें कभी इस बात को ब्रेक डाला हो, दीवार बनी हो? इनके साथ कोई था ही नहीं, ये अकेले थी। बहुत ही अच्छी हैं, सब लोग खुश हैं, और ऐसा तो मुझे लग ही नहीं रहा कि कोई ऐसा भी पल आया हो कि मुझे सोचना पड़ा हो कि इनसे शादी करके। आपने कहा ना कि सब लालची दुनिया है, लालच में ऐसा सब करते हैं, लालची हम भी थे। इनसे मेरा नाम जुड़ने के बाद मेरा भी बहुत बड़ा नाम हो गया। इनसे ही हम संगीत सीखे हैं, इन्हीं के साथ कार्यक्रम किए, इनसे ही हमको गाना आया है, जो है इनसे ही करते हैं, तो ये लालच तो था मेरा। कहूँगा कि वाकई ये कह रही है भारत की लालची, मैं जानता हूँ कि इसे किसी चीज़ का लालच नहीं, मेरे क्या बैंक बैलेंस है, मेरे पास क्या है क्या नहीं है, इसका ये इंडिविजुअल फैसला था। कहीं ना कहीं इसकी फैमिली भी इनके साथ नहीं थी इस फैसले में, इन्होंने अपने से ये फैसला लिया, मेरे साथ आई हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि इस कलयुग में इनकी जैसी पत्नी मिलना मेरे लिए एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हाँ एक और गाना आपसे, थोड़ा सा मैं आपसे सुनना चाहूँगा, कोई हाँ दोनों लोगों का कोई ऐसा गाना हो जिसे आप लोग बखूबी पेश कर सकते हैं। ओल्ड सॉन्ग में ही लता जी के हो गाने, थोड़ा सा उसमें कौन दिशा में कर दिया क्या, कौन है दिशा में लेके चला रहे बटोया कर, ठीक प्यारा सा गाना है, नदिया के पार, हमारे जौनपुर के पार, जौनपुर में ही शूट हुआ है, पूर्वांचल में ही शूट हुआ है पूरा। हाँ तो आइए इसका ही गाना सविता जी शुरू करें। कौन दिशा मिली के चला रही बटोहिया, कौन दिशा मिली के चला रही बटोहिया, हे ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे देखन दे, मन भर माए नैना बाधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाकन दे हाकन दे। कौन दिशा मिली के चला रही बटोहिया, कौन दिशा में, पहली बार हम निकले हैं घर से किसी अनजाने के संग हो, अनजाने से पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तो रंग हो, महक से तू कहीं बहक न जाना, महक से तू कहीं बहक न जाना, ना करना मोहे तंग हो।
करने का तो से नाता है गुजरिया, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाकन दे हाकन दे। कौन दिशा मिले के चला री बटोहिया, कौन जरा एक बार सोच के देखिए कि आप अच्छे खासे चल रहे हों, अच्छी खासी दुनिया देख रहे हों, एक दूसरे को समझ रहे हों, और अचानक आपको पता चले कि मैं अगले दिन अंधा हो जाऊंगा, आपकी आंखों की रोशनी चली जाएगी और आप इस दुनिया को देख नहीं पाएंगे सिवाय महसूस करने के, तो कैसा लगेगा? सोच के एक बार देखिएगा, रूह कांप जाएगी। हमारे बाजू में जिस शख्स को आप देख रहे हैं, राहुल पाठक नाम है, ठीक ऐसा ही इनके साथ हुआ। थोड़ी सी बातचीत के दौरान हमें पता चला कि जब ये 11वीं क्लास में पढ़ रहे थे तो इनको आभास हुआ कि हम कुछ ही दिन बाद अंधे हो जाएंगे। दिल तो घबरा गया था, घर के लोग परेशान थे, हैरान थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और जब ये बातें इन्होंने घर वालों को शेयर की तो सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। इतनी खूबसूरत पर्सनालिटी, एक होनहार बच्चा, पढ़ने लिखने वाला, अब वो कुछ ही दिनों में अंधा हो जाएगा। इन्होंने डॉक्टर से संपर्क किया लेकिन अफसोस कि इनकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आई। आज फ्रेम में जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि इतनी खूबसूरत तस्वीर, इतनी खूबसूरत पर्सनालिटी का जो लड़का आज पहले दुनिया देखा है और अचानक अब उसे दुनिया दिखाई नहीं देती है, सिर्फ महसूस कर सकता है उसे कि दुनिया क्या है, फिर भी इनके हौसले, इनके जो जज्बात हैं उनकी एक हम कद्र करते हैं और उसको व्यक्त करने के लिए हम वो हमारे पास वो शब्द नहीं, हम बयान नहीं कर सकते हैं कि इनके हौसले किस कदर अभी बुलंद हैं कि कभी इन्होंने हार नहीं मानी और ये दुनिया से लड़ रहे हैं, ज़िंदगी से लड़ रहे हैं, आँखों की रोशनी नहीं है लेकिन फिर भी दुनिया देख रहे हैं। उसके बाद इन्होंने संगीत की दुनिया में कदम रखा और एक बेहतर खूबसूरत आवाज़ में ये लोगों का मनोरंजन कराते हैं, स्टेज प्रोग्राम करते हैं और आपका मनोरंजन कराते हैं। ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे मुद्दे की बात करते हैं और उनसे बात करते हैं कि जीवन के बारे में थोड़ा जानते हैं और फिर इनके स्वर में, इनके मुख से कुछ गाना भी हम आपको सुनवाएंगे। राहुल जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी। बताएं राहुल जी, जैसे कि हमने अभी शुरू शुरू में अपने दर्शकों को जानकारी दी है, कितना सही? देखिए, बातें तो पूरी सही है, उसमें थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा कि मेरी जो आंखें गई वो अचानक नहीं गई। मुझे याद है कि हाई स्कूल में मुझे थोड़ी सी दिक्कत महसूस होना शुरू हुई कि मैं जब धूप से आता था तो मुझे थोड़ा सा ऑब्जर्व करने में टाइम लगता था, और चेकअप करवाने पर पता चला कि मुझे आँखों की एक बीमारी है, बड़ी चर्चित बीमारी है आजकल, जैसे हम कलाकार चर्चित होते हैं वो बीमारी बड़ी चर्चित है, RP नाम है उसका, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, आँखों के रोग में ये बड़ा जाना पहचाना नाम है। ये मुझे हो गया था, डॉक्टर ने बताया, और इसी के नाते धीरे धीरे करके मेरी आँखों की रोशनी जाने लगी। हाँ, ये मुझे ज़रूर पता था, अंधा वर्ड मैं अपने आप के लिए यूज़ नहीं करता, हालाँकि वो सच्चाई है, सच्चाई बड़ी अलग होती है। मुझे मालूम था कि मेरी रोशनी धीरे धीरे करके चली जाएगी और आने वाले 5-6-7 सालों में रोशनी धीरे धीरे गई, अचानक तो नहीं गई, लेकिन हाँ मुझे हर रोज़ ये पता चलता था कि मेरी रोशनी और कम हो जा रही है, जाती जा रही है, और एक दिन मैं ऐसा आएगा कि मैं बिल्कुल नहीं देख सकूंगा। और आज लगभग 10 रोकना पड़ जाऊँगा। इन्होंने एक गौर करने वाली बात कही है कि मैं अपने आप को अंधा नहीं कह सकता, इसके पीछे की वजह मैं आपको बता दूँ। अंधे वो हैं जिनके पास सब कुछ रहते हुए, दिव्यांग वो हैं, विकलांग वो हैं कि जिनके पास सब कुछ रहते हुए बिना मतलब किसी काम के नहीं हैं, लापरवाह हैं, आलसी हैं और घर में बैठ करके सिर्फ भोजन करना जानते हैं और एक दूसरे को लड़ाने आए, मतलब बिल्कुल जिसको बेला कहते हैं, खाली कहते हैं, अंधे वो होते हैं। लेकिन इन्होंने जो बातें कही इसीलिए कही कि मेरी आँखों को रोशनी बल्कि नहीं है लेकिन मैं अंधा नहीं हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाता हूँ, अपना बखूबी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आपने एक्सप्लेन किया मेरे भाव को। और वाकई आजकल एक नाम भी दिया जाता है कि दृष्टिहीन है, जो कि बिल्कुल गलत शब्द है। दृष्टिहीन वो होता है जिसको अपने फ्यूचर के बारे में कुछ पता नहीं होता, उसको कुछ रास्ता ही नहीं मालूम होता। वी आर दृष्टि बाधित,
कि हमारे आंखों में रोशनी नहीं, हम दृष्टिबाधित कहे जाते हैं, दिव्यांग कहे जाते हैं, अंधा और दृष्टिहीन नहीं है। ओके, चलते हैं मेन बात पे आते हैं। तो रोशनी मुझे मालूम थी कि चली जाएगी और गई भी, क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं था। आज भी इस रोग का पूर्णतया इलाज नहीं है। पिछले 8-10 साल में मैं ऐसा टाइम आया मेरे साथ, मैंने हाई स्कूल कंप्लीट किया, इंटर का भी जो मैंने अपना एग्ज़ाम दिया वो क्लासरूम से बाहर निकल के खिड़की के पास बैठ के ऐसे दिया। ग्रेजुएशन में फिर ऐसा समय आया कि सेकंड पेपर देने में ऐसा लगा कि अब मैं लिख ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि कॉपी की लाइन्स मुझे दिखना बंद हो गई थी सेकेंड पेपर आते आते। फिर मुझे याद है कि मेरे उस समय एक टीचर थे, उन्होंने लाइंस पे ब्लैक पेन लेकर के डॉट लगाए, गहरे डॉट लगाए, क्योंकि मुझे बहुत हल्की रोशनी हो चुकी थी, कॉपी की लाइंस जिसके सारे आप सभी लोग लिखते हैं, हम सभी लोग लिखते हैं, वो दिखना बंद हो गया था। लेकिन वो डॉट उन्होंने डार्क लगाया, उस डॉट के सहारे मैंने कॉपी लिखी थी, फर्स्ट पेपर अपना लिखा था, सेकेंड पेपर से मैंने राइटर लिया। हाँ, मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी नहीं, ग्रेजुएशन मैंने कम्प्लीट किया, उसके बाद संगीत मेरा इंटर कॉलेज से मेरे साथ आया। मुझे लगता है कि मेरी आंखों से रोशनी जाती रही और संगीत आता रहा। संगीत प्रभाकर मैंने किया और उसके बाद गुरुओं की कृपा से, ईश्वर के आशीर्वाद से और ज़रूर कि माता पिता के आशीर्वाद से, मेरे पिताजी बैठे हैं यहाँ पे, श्री कृष्ण मुरारी पाठक जी, मेरी माता जी श्रीमती सरिता पाठक जी, इन लोगों के आशीर्वाद से आज मैं जो कुछ भी हूँ, थोड़ा ही हूँ, बस जहाँ भी हूँ संतुष्ट हूँ। आज मैं आपके जौनपुर का इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिव्यांग आइकन भी हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार में सांस्कृतिक विभाग में रजिस्टर्ड कलाकार हूँ। कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ कि और अच्छा कर सकूँ और आगे बढ़ सकूँ। संगीत प्रभाकर जिसे डिग्री लेने के बाद आप संगीत में कदम रखे हैं, इसके पहले भी इच्छाएं थी आपकी, गाना गाने का शौक था पहले से? मैं गाता पहले से था, डिग्री उसके साथ ले रहा था। अच्छा जी, कि उसके बाद जिससे कि अपने हाथ में कुछ ऐसा भी रहे कि मैं बता सकूँ लोगों कि मेरे पास इसका डिप्लोमा कोर्स भी। मैं यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहूँगा, भोजपुरी इंडस्ट्रीज में बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो गायकी तो कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, लेकिन संगीत प्रभाकर की जहाँ तक डिग्री की बात आती है तो सिर्फ मनोज तिवारी के पास है, और बहुत ऐसे कम कलाकार हैं, बहुत ऐसे कम गायक हैं जिनके पास संगीत की डिग्री हो। जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा, मनोज भैया तो बी म्यूज़ एम यूज़ भी हैं BHU से, और ये सारी चीज़ें अगर हो पाई हैं तो मुझे लगता है कि ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा मेरे ऊपर रही है। नहीं तो रोशनी जाने के बाद वाकई मुझे ये समय नहीं मिला कि मैं बहुत निराश होकर बैठ पाऊँ। मैंने अपने आप को इतना व्यस्त रखा, अपना इतना बिजी रखा, लोग कहते थे कि आँख का इलाज होने दो फिर अपने कैरियर के बारे में सोचना, अभी थोड़ा सा देख लो यहाँ पे। मुझे लगता था कि नहीं, जब मुझे अंदर से ये मालूम है कि इसका इलाज है नहीं तो मैं अपने टाइम को वेस्ट क्यों करूँ। मैंने कोशिश की और करते करते आज एक जौनपुर में एक छोटा सा रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी है अपना, जिसमें मैं और मेरी धर्मपत्नी, जो अभी 8-9 महीने पहले मेरी शादी हुई है, देखिए सा है भी यहाँ पे। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहूँगा इनको इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको, कि देखिए मेरी ज़िंदगी में अंधेरा है, रोशनी नहीं है। आप एक पर्यायवाची जानते होंगे, सूर्य का पर्यायवाची आप लोग जानते होंगे ना, दिवा दिवाकर रवि भास्कर, उसमें एक पर्यायवाची है सविता। मेरी आँखों में रोशनी तो नहीं है लेकिन मेरी ज़िंदगी में सविता है, संजोग से मेरी पत्नी का नाम भी सविता है। क्या बात है, तो वो मेरी ज़िंदगी में है, वो भी एक बड़ी अच्छी गायिका है। और अच्छी बात ये नारी शक्ति के रूप में, ये अक्सर रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ में आपने देखा होगा कि जो साउंड इंजीनियर होते हैं, रिकॉर्डिस्ट होते हैं, वो अक्सर जेंट्स ही होते हैं हमारे जौनपुर और आसपास में। ये पहली लेडी रिकॉर्डिस्ट भी हैं, हम दोनों ही मिलकर काम करते हैं, सही मायने में मेरी लाइफ पार्टनर और पार्टनर दोनों हैं। आपने एक बात कही कि आजकल, मतलब अभी बात की ना कि भारतीय नारियों को सलाम है, बिल्कुल सलाम है। मुझे याद है कि मेरे कई ऐसे परिचय थे जिनके हाथ में थोड़ी सी तकलीफ थी, एक उंगली कटी हुई थी, तो उनकी शादी में इतनी प्रॉब्लम हुई, लेकिन वाकई ये बिल्कुल नॉर्मल है, अच्छी हैं, खूबसूरत है, मुझे ये मालूम है। इस सबके बावजूद भी इन्होंने मुझे चुना है, उसके लिए थैंक यू सो मच सविता। और ये मेरे मम्मी पापा का मेरे ऊपर पूरा सपोर्ट रहा है, इसलिए मैं इतना कर भी पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये माँ बाप का दिया है। तो आइए एक शुरुआत करता हूँ एक छोटे से भजन से। एक भजन सुना आपने राम और श्याम जी के बारे में। जग में सुंदर है दो नाम, दो नाम, दो नाम, दो नाम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम।
माखन ब्रज में एक चुराए एक बेर भिलनी के खाए। माखन ब्रज में एक चुराए एक बेर भिलनी के खाए एक बेर भिलनी के खाए। प्रेम भाव से भरे अनोखे प्रेम भाव से भरे अनोखे प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के हैं काम चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर हैं दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। भजन तो लंबा है लेकिन अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। इन्होंने भजन सुनाया, आगे भी कुछ और हम सुनेंगे इनके साथ में। अच्छा, भजन के साथ साथ और भी कुछ गाने गाते हैं? जी बिल्कुल, हर प्रकार के गाने हैं, भोजपुरी के अश्लील गानों को छोड़ करके बाकी सब परंपरागत भोजपुरी भी, हिंदी, बॉलीवुड सॉन्ग, गजल, मतलब सारे वर्सटिलिटी रखते हैं लेकिन अश्लील गानों को छोड़ अश्लील गाने सुनना भी पसंद भी नहीं करते हैं और ना ही हम इसको परोसने का काम करेंगे क्योंकि अश्लील बातों अश्लील गानों को लेकर के तो पता ना क्या से क्या हो रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन फेमस भी वही हैं, हम लोग स्ट्रगल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम वो नहीं गा रहे हैं। अगर हम कल को अगर शायद उस तरीके का कोई एक गाना गाएं, क्योंकि पसंद लोग कहते हैं कि नहीं कर रहे हैं लेकिन अकेले होने पे वो वही सुन रहे हैं और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे समाज की। अगर आप इग्नोर करते हैं तो खुल के इग्नोर करिए लेकिन नहीं करते हैं। नहीं करते हैं, लोग नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं इसमें गायकों की कमी कम है लेकिन दर्शकों की कमी ज़्यादा ज़्यादा। गायक को मैं इसलिए कमी नहीं कहूँगा, आप सुनते हैं इसलिए लोग सुनाते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप सुनना छोड़ेंगे तो गायक ऐसा गाना छोड़ेंगे। पहले भी भरत शर्मा के तमाम ऐसे गाने जो पॉपुलर हुए हैं, मदन राय के भी ऐसे तमाम गाने हैं जो पॉपुलर हुए हैं, मिलियन व्यूज गए तो उसमें सुना जाता था क्योंकि उस वक्त इतना सब इसका प्रचलन नहीं था, लोग सुनते थे। आजकल लोग शॉर्टकट मान लिया इसको ना कि यार ऐसे गाने गाएंगे तो जल्दी फेमस हो जाएंगे, ज्यादा देर तक टिकते भी नहीं है और ऐसा होना ही नहीं अब तो कुछ ऐसे ही हम गजल सुनना चाहेंगे आपसे। अच्छा, ओके। जगजीत सिंह साहब की गजल है जी। ला 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 ला, शायद आप लोग जान गए होंगे कौन सा ये। होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। थैंक यू। बहुत खूब। इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है, बिना प्रेम के जिंदगी को समझना मुश्किल है, इसे कोई नहीं समझ सकता जब तक इसमें इसके गहराइयों में जब तक कोई नहीं जाएगा, इसे समझना इस जिंदगी उसके सामने शून्य है। जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि विकलांग वही हैं जो सब कुछ रहते हुए भी कोई बेकाम के हैं। एक इस नवरात्रि में अभी रिसेंटली एक नवरात्रि में मैंने अपने दिल से बहुत ये लिखा है गाना, आप सभी के दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ। आप इसे देख सकते हैं, सातों बहिन दयालु माँ भाई राहुल पाठक डालेंगे। इस गाने को मैंने पूरे दिल से लिखा है क्योंकि मेरे दिल की बात है इसमें, मैया का पचरा ही है। हे सातो बहिन दयालु माँ, आव मोर बखरिया में, हे सातो बहिन दयालु माँ, आव मोर बखरिया में, ई दूनों नैना तरसे माँ, खोजी तो है मुरतिया में, हे सातो बहिन। इसका अंतरा है, इसमें आपको एक लाइन मिलेगी, जगत के तू हौ माई, इहे बाटे निवेदन हो, जगत के तू हौ माई, इहे बाटे निवेदन हो। निवेदन क्या है कि दे द फिर से ज्योति माँ,
कि दे द फिर से ज्योति माँ राहुल के नयनिया में, हे सातो बहिन दयालु माँ आव मोर बखरिया में। बस माँ से प्रार्थना की है इस भजन में, तो लीजिए आपके लिए और आपके दर्शकों के लिए ये सॉन्ग। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। मर जाएंगे आशिक वरना, मर जाएंगे आशिक वरना, इतना करम कर लेना। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। बहुत खूब, जितनी खूबसूरत इस फ्रेम में तस्वीर आपको दिख रही है और जितनी खूबसूरत ये दोनों पति पत्नी है, उतनी ही खूबसूरत इनकी आवाज़ है और उससे कहीं ज़्यादा इन दोनों पति पत्नी के बीच में प्रेम है। मतलब एक, हाँ, इस गाने का मंत्रा सुनना चाहेंगे। अच्छा। मुझे लगा कि देखिए आप मीडिया वालों के पास समय कम होता है इसलिए गाने को शॉर्ट रखा जाए। आप जैसे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे राहुल जी आप जैसे लोगों के लिए अगर हम कहें कि कुछ और इम्पोर्टेंट छोड़ दें तो मेरे लिए कम होगा। थैंक यू सो मच, आपने इतना समझा। तो इसका अंतरा, मेरी सुबह मेरी शाम आती है लेकर आपका नाम, आपका नाम। आपके ही कदमों में सनम गुजरेगी मेरी उम्र तमाम हमको जुदा मत करना चाहे, हमको जुदा मत करना चाहे, सर को कलम कर लेना। अच्छा, आप लोग को ये गाना मालूम है ना, तो आइए ना साथ में गा लेते हैं। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। मुझे लगता है कि जिस महफिल में अगर ये दोनों जोड़ी, ये चेहरे बैठ जाते होंगे अपने साजबाज के साथ, तो किसी का कोई कितना ही बड़ा काम हो, मतलब इनसे, इनके आगे से उठने का उसका मन नहीं करता होगा। ये मेरी खुद की सोच है और ऐसे गायक बहुत ही कम अब तक की लाइफ, 35 इयर्स की हमारी उम्र हो गई लेकिन ऐसी गायकी मैंने आज तक अपने लाइफ में ना रिपोर्टिंग के दौरान देखा और ना ही कभी इस तरह की किसी कार्यक्रम में। बड़ी बात है, ये आप सबका प्यार है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे अच्छे गायक हमारे जनपद में भी हैं और हर जगह हैं। आप लोग का प्यार है कि आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं, सो थैंक यू सो मच आपको इसके लिए। क्या सोचते हैं, क्या लिखेंगे कमेंट सेक्शन में इन दोनों गायकों के लिए, साझा करिएगा, शेयर करिएगा। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बस लास्ट में एक चीज़ आपको सुनाना चाहता हूँ, एकदम लास्ट में, और उम्मीद करूँगा कि आपको ये कुछ अलग ही लगेगा। आप कोई भी गाना, जो गाना आप मुझे देना चाहते हो, कोई भी गाना आप दीजिएगा, मैं उसको कैसे सुनाऊंगा आपको, कुछ ऐसा सुनाऊंगा। दौलदी लमहेरा है रगम
चुके पचुके पचु हो दौलत दी लमिहेरा है रगम के पचुके पचु। मतलब एक एक अजब दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, मतलब गजब, उसको सीधा उल्टा गा रहे हैं भैया। अरे ये भी एक कला है। को बस हो हीरा, अभी आपने गाना सुना हम लोगों का प्यार कभी, अटेम्प्ट करता हूँ इसको रप्या भिका मकहिन नारक इको मतसी रखना ले। एक, एक कुदरती कह लीजिए कि वो भी गाने को उल्टा और उसी राग में कितना प्यारा लग रहा है। ये कोई भी गाना हो वो उनको आता रहे बस गाना, हर गाने का उल्टा गाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश करता हूँ तुझे भूलना तो सीधा सीधा सीधा, सीधा मुझे लगा कि उल्टा इसको करना है। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भूला न पाए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भूला न पाए। जित लाइन नहीं याद है, जितना भूला न चाहा उतना करीब है। जितना भूला न चाहा तुम उतना ही याद आए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भूला न पाए। जे तू नाल भूत तो हाचा नकीले लाभू नए। मतलब एकदम बिल्कुल नेचुरली आप मतलब कुछ भी कर सकते हैं, जो प्रेजेंट ऑफ माइंड है ना गजब का है। दोस्तों ये काफ़ी लंबा इंटरव्यू हो गया और छोड़ने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी यही पेंट करते हैं। दो शब्द जरूर लिखिएगा और ऐसे गायकों को थोड़ा सा पॉपुलर करिए, इन्हें प्यार दीजिए और ऐसी वीडियो को शेयर किया करिए दोस्तों। बाकी तो जो समाज में भोजपुरी समाज में चल ही रहा है, अश्लील का दौर है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं, लेकिन पसंद करना है तो ऐसे लोगों को पसंद करिए ताकि हमारा एक भारत एक और सुंदर भारत बने और जो संगीत की जो छवि है वो आने वाले समय में भी ऐसे ही बरकरार रहे। हमें देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।